पहले बात करते हैं रामगढ़ में, जहां 30 गांव के सैकड़ों विस्थापित आदिवासी मूलवासी बेमियादी भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल के तीसरे दिन कई विस्थापितों की तबियत बिगड़ गई है। PVUNL प्रबंधन से नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर ये भूख हड़ताल पर हैं। पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा विस्थापितों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में इनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है, जिसमें कईयों की तबियत बिगड़ गई है। रामगढ़ से सहयोगी महावीर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर अपडेट के साथ। महावीर, विस्थापित लगातार अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं और कईयों की तबियत बिगड़ने की खबर मिल रही है, क्या वार्ता के लिए अब तक प्रबंधन की तरफ से कोई नहीं आया? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बतला दूं कि PVUNL प्रबंधन के खिलाफ में ये लोग अपनी मांग रखे हुए हैं। इनकी मांग है कि जो विस्थापित है उनको नौकरी दे, मुआवजा दे और उनको पुनर्वास करवाए। और जब आंदोलन शुरू हुआ था 2 तारीख को, तब पुलिस प्रशासन के द्वारा इन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, उनका भी विरोध ये लोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिला पुलिस प्रशासन के विरोध में और अपनी मांगों के समर्थन में ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अभी तीसरे दिन तक में ये लोग 30 गांव के विस्थापित हैं और जो प्रभावित है वो पूरे 30 गांव में है और 300 गांव में अलग अलग जगह पर सैकड़ों विस्थापित महिला, मजदूर, आदिवासी लोग बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर। अब इनकी तबियत भी खराब होने लगी है, लेकिन अभी तक जो प्रबंधन है वो उनके कान में भी नहीं रहेंगी है और वो लोग कोई भी किस हालत में जो धरना दे रहे हैं और जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर है वो किस हालत में है ये जानकारी लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। और कई लोगों की हालत मान के चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिनकी हालत खराब होने लगी है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रबंधन है वो उन्हें देखने तक नहीं आया है। जी शुक्रिया महावीर, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हालत इनकी लगातार खराब हो रही, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई इनका हालचाल जानने नहीं आया है, जिससे इनमें नाराजगी भी है। कई इनकी मांगे हैं जिसे लेकर 30 गांव के विस्थापित अनशन पर हैं। PVUNL के प्रबंधन को लेकर इनकी शिकायत है कि अब तक ना तो इन्हें मुआवजा मिला, ना नौकरी मिली है और इन पर लाठीचार्ज किया गया। कई मुद्दों को लेकर ये भूख हड़ताल पर हैं।